क्षेत्रीय पार्टी अलग अलग अपने अपने तरह की राजनीति करते हैं। नेशनल पार्टी कांग्रेस है हम लोग, और जो हालात हैं, जो परिस्थिति है अभी, राजनीति से ज़्यादा बेहतर है कि कैसे बंगाल चुनाव में नफरत खत्म हो। हमें ये तय करना पड़ेगा कि भारत को कैसे बचाया जाए, और इन परिस्थितियों में बंगाल में किसी भी परिस्थिति में बिना किसी सोचे समझे राजनीति के, बिना किसी स्वार्थ के, हमें यह देखना होगा कि वहाँ जो आज देश तोड़ने वाली जो परिस्थितियाँ हैं, समाज तोड़ने वाली जो परिस्थितियाँ, इंसानियत और मानवता जो खतरे में है, आज देश का लगभग हमें लगता है कि आने वाले समय में ये ना तय हो जाए कि हर व्यक्ति को महीना में दो बार ब्लड देना पड़े, ब्लड देने की ना स्थिति पैदा, उसको भी बेचने की बात हो गई। तेजस्वी यादव की ओर, तो ऐसी परिस्थितियों में देश कैसे इकोनॉमिकल रोजगार से मजबूत हो, बिना डर के, बिना नफरत के हम देश में एक बेहतर ज़िंदगी कायम कर पाए, इसके लिए आज एक ही विकल्प है, ममता बनर्जी का, और हर पार्टी को चुनाव लड़ने का है, लड़ें। उसमें कहाँ कोई कौन क्या करता है, बिहार की जो स्थिति है उसमें आज न तो सत्ता पक्ष कहीं नज़र आते हैं जनता के साथ, अब विपक्ष का तो कोई मतलब ही नहीं, तो कौन कहाँ चुनाव लड़ेंगे उसका ठीका हम तो लिए नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ जो 5 विधानसभा के चुनाव हैं, इसमें जो धनपशु पार्टी 13,000 करोड़ रुपया खर्च के लिए रखा है, और जिस तरीके से 8 चरण में चुनाव, हम तो चुनाव आयोग के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अब वहाँ पर दफ्तर बना देना चाहिए किसी पार्टी का, चुनाव आयोग बहुत क्लियर है, टीएन सेशन और कई ऐसे चुनाव आयोग थे जिन्होंने यह स्थापित किया था, चुनाव आयोग ऑटोनोमस बॉडी। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान चुनाव आयोग है, पॉलिटिकल कंप्लीट पार्टी से प्रायोजित हो जाना और पॉलिटिकल दफ्तर से निर्णय होना, कब किसकी रैली हो जाएगी तब घोषणा होगा, कब कितने दल टूट जाएंगे तब घोषणा होगा, तो ये तो बहुत गलत है। और चुनाव आयोग के बारे में साफ देखना चाहिए, अब चुनाव आयोग जैसी संस्था पहले ही समाप्त हो चुकी है, और इस चुनाव में चुनाव आयोग ने और भी समाप्त कर दिया। बिहार भी उसी स्थिति में थे, तमिलनाडु का भी लगभग जनसंख्या वही है, आसाम भी प्रभावित इलाका है,